नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। लोक बेहर गांव में दमोला गधेरे में पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। विधायक चंदन राम दास ने पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक चंदन राम दास ने कहा कि दमोला गधेरे में पुल निर्माण की मांग बीते कई सालों से की जा रही थी। जनता की मांग को देखते हुए जिला योजना के तहत पुलिया स्वीकृत की गई है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमारे क्षेत्र का, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो हमारा लोभ से बेहरगांव और ये लिंक नहीं हो पा रहा था, और आज ये पुल के उद्घाटन से माननीय विधायक जी द्वारा जो पुल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, और क्षेत्र में बड़ा हर्ष का विषय है, और हम लोगों को भी काफ़ी सुविधा इससे होगी, और ताकि लोगों को भी मतलब आवाजाही में बहुत सुविधा हो जाएगी। बहुत वर्षों से लोभ बेहरगांव रोड में दमोला के पास एक पुल की आवश्यकता थी, और बेहरगांव के लोग मेरे पास आए और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं जिला योजना में पुल का धनराशि रखूंगा, और जिला योजना से मैंने पुल की धनराशि रखी है, और आज लोभ और बेहरगांव के बीच को जोड़ने वाला आज पुल का शिलान्यास और इसका आज हमने भूमि पूजन किया है। मैं लोभ बेहरगांव सरना सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये इस पुल का काम जिला योजना में हुआ है और लोभ तक हमने डामरीकरण किया है। डामरीकरण तो मैंने बेहरगांव तक भी किया है, परंतु ये पुल न होने से वहाँ गाड़ियों का आना जाना बाधित था और बरसात में गाड़ियाँ बंद हो जाती थी, इसलिए ये पुल के होने से निर्विघ्न ढंग से लोग बेहरगांव के लोग अपना आना जाना कर सकते हैं। मैं खासकर बेहरगांव के लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। भारी संख्या में आज बेहरगांव के युवा साथी बुजुर्ग वहाँ पर इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने मुझसे बेहरगांव से पगना रोड को भी जोड़ने का अनुरोध किया है। 5 साल पहले जिला योजना में 20 लाख रुपया मैंने इसमें रखा है, उसका नया अलाइनमेंट स्वीकृत करा के मैं बेहरगांव से पगना वाली रोड को भी जोड़ने का प्रयास करूँगा, और मैंने जो वचन दिया था बेहरगांव के लोगों को कि आप परिवर्तन हुए, मैं भी आपके मनों को परिवर्तन करते जो मैंने वायदा किया वो पूरा करूंगा। आज पुल का वायदा पूरा किया है, लोगों में उत्साह है, जश्न है, उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी, और मैंने उनसे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आप भी जुड़ें और आपके क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास होगा, ऐसा आश्वासन आज मैंने क्षेत्र के लोगों को दिया है।